Hello everyone, in the previous lectures we have discussed the methods of pre-stressing. वहाँ पे मैंने आपको दो methods के बारे में बताया था, one is pre-tensioning and other one was post-tensioning. अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे that how we have to analyze the pre-stress beam. तो यहाँ पर हमारे पास दो methods हैं जो आपके syllabus में है, one is that stress concept method and other one is load balancing method. तो पहला मेथड जो है दैट इज वी आर एनालाइजिंग यूजिंग स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड. अब ये स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड में हम स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये एक बीम ली है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम. अब ये हमारे पास जो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. यहाँ पर हमारा हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है और इस पर हमारा UDL एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो जो ये एक तरह की इस पे लोडिंग आएगी दैट इज एक्सटर्नल लोडिंग एंड ये जो दूसरा कंप्रेसिव लोड यहाँ पर आया है दैट इज नोन एज पी, ये किसके वजह से आता है, दिस इज ड्यू टू प्री टेंशनिंग. अब प्री टेंशनिंग की वजह से ये पी जनरेट हुआ दैट इज कंप्रेसिव लोड. इसको हम टू से एनालाइज करेंगे दैट इज नोन एज प्री स्ट्रेसिंग येलो. ठीक है, अब ये प्री स्ट्रेसिंग की वजह से आता है. ये कैसे आता है ये मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जिसको नहीं आता वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है इसमें. अब जो ये हमारा न्यूट्रल फाइबर है, ये न्यूट्रल फाइबर हमारा है, इस न्यूट्रल फाइबर से इस लोड के एप्लीकेशन तक का जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज ई. अब यहाँ पे ई क्या है, वी कॉल्ड इट एज एक्सेंट्रिसिटी. अब एक्सेंट्रिसिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करूंगा तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल फाइबर एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड. सो ई क्या होगा हमारा, जिस पॉइंट पे हमारा लोड अप्लाइड है उससे न्यूट्रल फाइबर तक का डिस्टेंस जो होगा दैट इज नोन एज एक्सेंट्रिसिटी. सो दो तरह के लोडिंग की वजह से हमारे पास स्ट्रेसेस कैसे आते हैं, उनका डायग्राम कैसे बनता है, ये हमारी एनालिसिस है. हम कैसे स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं एट टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर. ठीक है, तो ये देखने के लिए हमने स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड को देख रहे हैं. तो पहला हम देखते हैं ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. अब सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, अब हमने क्या किया, एक बीम बनाई यहाँ पर, ये बीम बनाई, देखो मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई है. इस सिंपली सपोर्टेड बीम में एक्सटर्नल लोडिंग शो नहीं करनी है, सिर्फ ये टेंडेंस यहाँ पे लगा है. इस टेंडेंस पे क्या आएगा, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आएगा पी. ठीक है, और न्यूट्रल फाइबर से इस लोडिंग का डिस्टेंस है ई, एक्सेंट्रिसिटी. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो लोडिंग है हमारी इसको मैं अब आपके सामने यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर शो में कई बार कर चुके हैं, हम ये चीजें वही चीज को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. यह हमारा न्यूट्रल फाइबर है. ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूट्रल फाइबर. ठीक है, अब यहाँ पे हमने लोड को, ये जो हमारा टेंडेंट है इस टेंडेंट पे यहाँ पे हमारा लोडिंग लगी थी, देखो पी यहाँ पे लगी है. अब इस पी को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा न्यूट्रल फाइबर पे, तो मैंने देखो यहाँ पे पी ट्रांसफर कर दिया, ये पी ट्रांसफर कर दिया. बट जब मैं लोड ट्रांसफर करते हैं उसकी वजह से यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक मूवमेंट भी जनरेट होगा, कितना, दिस विल बी पी इंटू ई, पी इंटू ई एक मूवमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे भी पी इंटू ई एक मूवमेंट जनरेट होगा. ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ का लोड न्यूट्रल फाइबर पे ट्रांसफर किया तो हमारा एक कंप्रेसिव लोड यहाँ पे आएगा और एक मूवमेंट भी आएगा, क्योंकि वहां से उस लोड से उस जहाँ पे हम लोड ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे के लिए हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो वहां पे क्या है एक्सेंट्रिसिटी, उसको हमने डिनोट किया है, तो वहां उसकी वजह से एक मोमेंट जनरेट होगा पी इंटू ई के मैग्नीट्यूड का. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ गई, वन इज कंप्रेसिव लोड एंड वन इज ड्यू टू मोमेंट. ठीक है, अब जो हमारे स्ट्रेसेस की वैल्यू आएगी वो दो फोर्सेस की वजह से आएगी, वन इज कंप्रेसिव फोर्स, वन इज दिस मोमेंट. अब जो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से हमारा स्ट्रेस आता है दैट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस. अब नॉर्मल स्ट्रेस किसकी, देखिए पहला हमारा है लोड पी की वजह से, दूसरा हमारा जो होगा मोमेंट की वजह से पी, इन दोनों की वजह से कितना स्ट्रेस आता है.
ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बस। तो देखिए, जब हमारे सिर्फ हम पी की बात करेंगे, अगर हम पी की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, कंप्रेसिव फोर्स आया। अब कंप्रेसिव फोर्स की वजह से पी हमारे पास कितना स्ट्रेस देगा, देखिए कितना देगा, पी हमारा हो जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इस पी की वजह से देखिए हमारा कितना आएगा स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी है, पी अपॉन एरिया। अब जब हम प्री स्ट्रेसिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, हमेशा हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे, जो हमारी कंप्रेसिव फोर्सेज होंगे दैट इज विल बी टेकन एज पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और जो भी टेंसाइल फोर्सेज होंगे दैट वी विल टेक एज नेगेटिव। ठीक है, जब भी कंप्रेशन की बात करेंगे इन प्री स्ट्रेसिंग, हम कंप्रेसिव फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे और टेंसाइल को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारे यहाँ पे बीम मैंने बनाई थी उसका यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया। ठीक है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे हमारे टेंडेंस है। ठीक है, ये हमारी न्यूट्रल फाइबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं। तो पहला था हमारा नॉर्मल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, उसकी वजह से क्या आया, फोर्स अपॉन एरिया। अब वो कंप्रेसिव था फोर्स, तो स्ट्रेसेस भी कंप्रेसिव आएंगे, तो दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पूरा लोड क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी कितना आएगा, देखिए इस फेस पे जॉन से क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो एरिया कितना होगा ए, तो लोड कितना लग रहा था उस फेस पे, पी, तो कितना आ गया, पी अपॉन ए और पी अपॉन, कितना, सबको क्लियर है। उसके बाद बात आती है हमारी बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट की वजह से हमारे पास क्या होगा, कौन सा स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। उसको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, यहाँ पे आई गई थी बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा, ये इक्वेशन थी सिग्मा अपॉन वाई इजिकल टू ई अपॉन आर इजिकल टू एम अपॉन आई। तो हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है बेंडिंग मोमेंट, तो ये एक तो ये, और स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ये, तो इसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन आ गई सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। ठीक है, अब इसकी वजह से कितना स्ट्रेस हो रहा है, तो सिग्मा यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीई अपॉन आई इंटू वाई। वाई क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल फाइबर, जहां पे भी निकाल रहे हैं, अगर टॉप पे निकाल रहे हैं तो वाई टॉप हो जाएगा, बॉटम पे निकाल रहे हैं तो वाई बॉटम, जिस डिस्टेंस पे न्यूट्रल फाइबर से हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, यह हुई हमारी बात बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं कि जब हमारे पास ये वाला बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो हमारी बीम की शेप जो होगी वो कैसी होगी। बीम की शेप देखिए, ये कैसा होगा, हॉगिंग मोमेंट दे रहा है, ये कैसा हॉगिंग मोमेंट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बेंडिंग मोमेंट ऐसे लगे हैं, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज। अब इसको कैसे करेगा बेंड, जब ये बीम की बेंडिंग शेप जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जो टॉप के फाइबर होंगे वो टेंशन में होंगे, जो बॉटम के होंगे वो कंप्रेशन में होंगे। तो मतलब जब न्यूट्रल फाइबर से हम ऊपर की बात करेंगे तो मतलब वो जोन हमारा किस में होगा, टेंशन में होगा, और नीचे वाले कंप्रेशन में होंगे। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक एक्सिस बनाई। अब टॉप के फाइबर किस में है, टेंशन में है, तो टेंशन की क्या लेना है हमें, नेगेटिव लेना है, तो इतना लेना है, कितना लेना है, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे वाई टॉप आ जाएगा, यहाँ पे टॉप की बात करेंगे, और सिग्मा बॉटम की बात करेंगे, सिग्मा बी विल बी पी आई इंटू वाई बॉटम। ठीक है, यहाँ पे ये, और नीचे वाले फाइबर किस में होंगे, कंप्रेशन में, तो पॉजिटिव में जाएगा, और ये कैसा होता है, लीनियर वेरिएशन होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये सिग्मा बॉटम। तो इस तरह से हमारे स्ट्रेस डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, बट ये बात सिर्फ कहां तक की थी, ये सिर्फ हमने बात करी थी इंटरनल ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेज, जो इंटरनल स्ट्रेसेज आ रहे हैं ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स वो कैलकुलेट किए अभी, अभी एक्सटर्नल लोड की वजह से तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। ठीक है, अब उसको भी देख लेते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग यूडीएल, अब बीम में सिर्फ यूडीएल लगा है, इंटरनल फोर्सेज हटा दिए मैंने,
उसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। पर जो यहाँ पे एक्सटर्नल लोड है वो यूडीएल की फॉर्म में, तो उसकी बेंडिंग शेप जो होगी, अब ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, नीचे क्या होगा, टेंशन होगा। और यहाँ पे जो हमारी मोमेंट की बात होगी, दैट विल बी मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। डेड लोड और लाइव लोड की वजह से टोटल मोमेंट जो होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कैसे स्ट्रेस जनरेट होंगे, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। उसी में अगर हम बात करें, ये बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब ये बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, न्यूट्रल फाइबर से देखिए ऊपर वाले किस में चले जाएंगे, डायग्राम पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि अब ऊपर क्या है, कंप्रेशन है, नीचे क्या है, टेंशन है, तो नीचे का नेगेटिव। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर जब हम टोटल की बात करेंगे, ओवरऑल बीम को अगर हमें एनालाइज करना है प्री स्ट्रेस बीम को, तो फाइनल स्ट्रेसेस क्या आएंगे हमारे टॉप पे, क्या आएगा, पहले ऊपर था कंप्रेसिव नॉर्मल पी अपॉन ए, फिर क्या था टेंशन, यहाँ पे देखिए ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये देखिए सिग्मा टॉप में क्या है, माइनस में, और नीचे वाला प्लस में, ठीक है बॉटम, और यहाँ पे वाला हमारा पॉजिटिव में है जब हम एक्सटर्नल लोडिंग के बाद। तो अभी फाइनल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो ऊपर पहले नॉर्मल स्ट्रेस पी अपॉन ए, फिर माइनस पी वाई इंटू वाई टॉप प्लस एम अपॉन आई वाई टी इसका, ठीक है प्लस कंप्रेशन। फिर बॉटम की बात करेंगे तो पी अपॉन ए प्लस पी आई वाई बी माइनस एम वाई वाई बी, ये किसी एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको याद रखना है कि सिग्मा टॉप टू बॉटम टॉप स्लैश बॉटम, तो अगर मैं याद करना है आपको, इसको ऐसे भी कर सकते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। फॉर्म क्या है, पी अपॉन ए पी ई आई वाई और एम अपॉन आई वाई, ठीक है ये सिर्फ वाई। अब वाई जहां पे बोला है वहां पे वाई की वैल्यू उतनी रख देंगे, वाई टॉप के लिए बोला तो टॉप रख देंगे, बॉटम के लिए बॉटम, ठीक है ये आपके ऊपर, ठीक है। सो दिस इज ऑल द पार्ट विच आई वॉन्ट टू टेल यू इन द स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। द अदर कॉन्सेप्ट विल बी बेस्ड ऑन लोड बैलेंसिंग मेथड। और इसमें एक चीज और हो सकती है, वो कि अगर हमारा जो टेंडेंस है वो हमारा न्यूट्रल एक्सेस से ना पास होके अगर ऊपर या नीचे से पास होगा, तो उसको हमने कैसे ट्रांसफर करना है ये हमने देख लिया। अगर सिर्फ डायरेक्टली न्यूट्रल एक्सेस पे ये पास होता है, तो हम सिर्फ डायरेक्टली क्या करेंगे वहां पे लोड को ट्रांसफर करेंगे, बट हम हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी है तो हमारे पास वहां पे एक मोमेंट भी जनरेट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे पैराबोलिक, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि ये टेंडेंस हम पैराबोलिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम आगे जाके देखेंगे कि अगर पैराबोलिक होगा तो उस केस में क्या होगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड you will be learning the concepts based on pre-stress method. So, अभी तक जितना भी पढ़ाया उसको रिवाइज करिए और इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कीजिए। So, thank you very much.